हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप देख रहे हो मैं रो रही हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ एक्चुअली। मैं मैगी बनाने जा रही थी तो उसके लिए मैंने प्याज टमाटर वगैरह काटे हैं। देखा तो ये प्याज है और ये टमाटर है, तो प्याज से थोड़ा हो जाता है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको मैगी में कैसे बनाती हूँ। गाइस, मैं किचन में आ चुकी हूँ और ये देखिए मैंने तेल भी चढ़ा दिया है, तेल हो चुका है। और अब मैं इसमें जीरा डालूँगी और ये मैंने पानी वगैरह सब ले रखा है। तो बनाते हैं मैगी। तो ये देखो हमारी प्याज हो चुकी है, कि मैंने मंदी कर रखी थी, बहुत लेट हुई है ये। और अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ। क्योंकि भाई भी आ चुका है, बाबा जी के साथ गए थे, देखो और अब फिर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाऊंगी काम करने। तो देखो ये हमारे टमाटर भी हो चुके हैं, मैं इसमें पानी डालती हूँ। हमें ना बहुत पतली सी मैगी अच्छी लगती है पानी वाली, और किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। देखो तो इतने उबलता है, मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसमें क्या मसाले डालूंगी। वैसे मैंने ना बना लिया था, मतलब मिक्स कर लिए थे सारे मसाले, पर फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो नमक और मिर्च और ये धनिया ये डाला है मैंने बस। और मैगी मसाले तो रहते ही हैं, ये मैंने मैगी तैयार रख रखी है अपनी, बस पानी उबल जाए तो मैं डाल दूँगी। और बताया मैगी ना दो तरीके की होती है, एक तो यप्पी वाली होती है और जो एक मैगी होती है। हर किसी का अपना टेस्ट होता है, पर मेरे को तो मैगी अच्छी लगती है, यप्पी वाली का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो ये देखो पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें मैगी डाल देती हूँ। मैंने मैगी डाल दी है सारी, ये अच्छे से हो जाएगी। और अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। हमारी मैगी बन चुकी है।